मरणासन्न व्यक्ति के कल्याण के लिए किए जाने वाले कर्म। श्री कृष्ण गर्भ जी से कहते हैं, आपने मनुष्यों के हित में बहुत ही महत्वपूर्ण बात पूछी है, जिसको देवतागण योगी जन भी नहीं देख सके, जो गुमहाति गुम है, उसे मैं बता रहा हूं। पुत्र की महिमा बताते हुए भगवान कहते हैं, यदि मनुष्य को मोक्ष नहीं मिलता है तो पुत्र नरक से उसका उद्धार कर देता है। पुत्र और पौत्र को मरे हुए प्राणी को कंधा देना चाहिए तथा उसका यथाविधान अग्निदाह करना चाहिए। सबसे पहले गोबर से भूमि को लीपना चाहिए, तदनंतर जल की रेखा से मंडल बनाना चाहिए। इसके बाद उस स्थान पर तिल और कुश बिछाकर मरणासन्न व्यक्ति को कुशासन पर सुला देना चाहिए तथा उसके मुख में स्वर्ण आदि पंचरत्न डालना चाहिए। ये सब कार्य करने से वो प्राणी अपने समस्त पापों को जलाकर पाप मुक्त हो जाता है। भूमि पर मंडल बनाने का अत्यधिक महत्व बताया गया है। भूमि पर बनाए गए ऐसे मंडल में ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, लक्ष्मी तथा अग्नि आदि देवता विराजमान हो जाते हैं। अतः मंडल का निर्माण अवश्य करना चाहिए। मंडल विहीन भूमि पर प्राण त्याग करने पर उसे अन्य योनि प्राप्त नहीं होती, उसकी जीवात्मा वायु के साथ भटकती रहती है। तिल और कुश की महत्ता बताते हुए भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, तिल मेरे पसीने से उत्पन्न हुए हैं, अतः तिल बहुत ही पवित्र हैं। तिल का प्रयोग करने पर असुर, दानव और दैत्य भाग जाते हैं। एक ही तिल का दान स्वर्ण के 32 सेर तिल के बराबर है। तर्पण दान एवं होम में दिया गया तिल का दान अक्षय होता है। कुश मेरे शरीर के रोमों से उत्पन्न हुए हैं। कुश के मूल में ब्रह्मा है, मध्य में विष्णु तथा अग्रभाग में शिव को जानना चाहिए। ये तीनों देव कुश में प्रतिष्ठित माने गए हैं, इसलिए देवताओं की तृप्ति के लिए मुख्य रूप से कुश की और पितरों की तृप्ति के लिए तिल की आवश्यकता होती है। देवताओं और पितरों की तृप्ति ही विश्व की तृप्ति में हेतु है। अतः श्राद्ध की जो विधियां बताई गई हैं, उन्हीं के अनुसार मनुष्य को ब्रह्मा, देव देवेश्वर तथा पितृजनों को संतृप्त करना चाहिए। ब्राह्मण, मंत्र, कुश, अग्नि और तुलसी, ये बार बार प्रयुक्त होने पर भी बासी नहीं होते। हे पक्षी श्रेष्ठ, विष्णु एकादशी व्रत, गीता, तुलसी, ब्राह्मण और गौ, ये 6 दुर्गम असार संसार में लोगों को मुक्ति प्रदान करने के साधन हैं। मृत्यु काल में मरणासन्न के दोनों हाथों में कुश रखना चाहिए, इससे प्राणी विष्णु लोक को प्राप्त करता है। लवण रस पितरों को प्रिय होता है और स्वर्ग को प्रदान करता है। ये लवण रस भगवान विष्णु के शरीर से उत्पन्न हुआ है, इसलिए अन्नादि के साथ लवण का दान करना चाहिए। इस पृथ्वी पर यदि किसी आतुर व्यक्ति के प्राण न निकलते हों तो उसके लिए स्वर्ग का द्वार खोलने के लिए लवण का दान करना चाहिए। उसके समीप तुलसी का वृक्ष एवं शालिग्राम की शिला को भी लाकर रखें। तत्पश्चात यथाविधान विभिन्न सूक्तों का पाठ करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से मनुष्य की मृत्यु मुक्तिदायक होती है। इसके बाद मरे हुए प्राणी के शरीरगत विभिन्न स्थानों में सोने की शलाकाओं को रखने का विधान है, जिसके अनुसार क्रमशः एक शलाका मुख, एक एक शलाका नाक के दोनों छिद्र, दो दो शलाकाएं नेत्र और कान, एक शलाका लिंग तथा एक शलाका उसके ब्रह्मांड में रखनी चाहिए। उसके दोनों हाथ एवं कंठ भाग में तुलसी रखें। उसके शव को 2 वस्त्रों से आच्छादित करके कुमकुम और अक्षत से पूजन करना चाहिए। तदनंतर पुष्पों की माला से विभूषित करके उसे बंधु बांधवों तथा पुत्र एवं पुरवासियों के साथ अन्य द्वार से ले जाएं। उस समय अपने बांधवों के साथ पुत्र को मरे हुए पिता के शव को कंधे पर रखकर स्वयं ले जाना चाहिए। शमशान देश में पहुंचकर पुत्र पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख वहां की उस भूमि पर चिता का निर्माण करवाए। जो पहले से जली न हो उस चिता में चंदन, तुलसी और पलाश आदि की लकड़ी का प्रयोग करना चाहिए।
जब मरणासन्न व्यक्ति की इंद्रियों का समूह व्याकुल हो उठता है, चेतन शरीर जड़ीभूत हो जाता है, उस समय प्राण शरीर को छोड़कर यमराज के दूतों के साथ चले जाते हैं। उस समय जो प्राणी दुरात्मा होते हैं उन्हें यमदूत अपने पाश बंधनों में जकड़कर मारते हैं। जो सकृति हैं उनको स्वर्ग के पार्षद सुखपूर्वक अपने लोक को ले जाते हैं। यमलोक के दुर्गम मार्ग में पापियों को दुख झेलते हुए जाना पड़ता है। यमराज अपने लोक में शंख चक्र तथा गदा आदि से विभूषित चतुर्भुज रूप धारण कर पुण्य कर्म करने वाले साधु पुरुषों के साथ मित्रवत आचरण करते हैं और पापियों को सन्निकट बुलाकर उन्हें अपने दंड से तर्जना देते हैं। वे प्रलयकालीन मेघ के समान गर्जना करने वाले हैं। अंजन गिरी के सदृश उनका कृष्ण वर्ण है तथा एक बहुत बड़े भैंसे पर सवार होते हैं। वे महाक्रोधी एवं अत्यंत भयंकर है। भीमकाय दुराकृति यमराज अपने हाथों में लोहे का दंड तथा पाश धारण करते हैं। उनके मुख तथा नेत्रों को देखने से ही पापियों के मन में भय उत्पन्न हो उठता है। इस प्रकार का महाभयानक यमराज जब पापियों को दिखाई पड़ते हैं उस समय हाहाकार करता हुआ अंगष्ट मात्र का मृत पुरुष अपने घर की ओर देखता हुआ यमदूतों के द्वारा ले जाया जाता है। प्राणों से मुक्त शरीर चेष्टाहीन हो जाता है। उसको देखने से मन में घृणा उत्पन्न होने लगती है। वो तुरंत अस्पर्श तथा दुर्गंध युक्त और सभी प्रकार से निंदित हो जाता है। ये शरीर अंत में कीट विष्ठा या राख में परिवर्तित हो जाता है। हे तार्श, क्षण भर में विध्वंस होने वाले इस शरीर पर कौन ऐसा होगा जो गर्व करेगा? इस असत शरीर में होने वाले वित्त का दान आदर पूर्वक वाणी कीर्ति धर्म आयु और परोपकार ही सारभूत है। यमलोक में ले जाते हुए यमदूत प्राणी को बार बार नरक का तीव्र भय दिखाते हुए डांट कर ये कहते हैं कि हे दुष्टात्मन, तू शीघ्र चल, तुझे यमराज के घर जाना है। शीघ्र ही हम तुझे कुंभी पाक नामक नरक में ले जाएंगे। उस समय उस प्रकार की वाणी और बंधु बांधवों का रुदन सुनकर ऊंचे स्वर में हा हा करके विलाप करता हुआ वह मृतक यमदूतों के द्वारा यमलोक पहुंचाया जाता है। गरुड़ पुराण सिंहावलोकन विशेषांक पृष्ठ संख्या 16 से आगे। मृत्यु का स्वरूप। हे पक्षीराज, अब मृत्यु के स्वरूप को सुनो। मृत्यु ही काल है। मृत्यु का समय आ जाने पर जीवात्मा से प्राण और देह का वियोग हो जाता है। मृत्यु अपने समय पर आती है। मृत्यु आने के कुछ समय पूर्व प्रायः प्राणी के शरीर में कोई रोग उत्पन्न हो जाता है। इंद्रियां विकल हो जाती हैं। प्राणी को एक साथ करोड़ों बिच्छुओं के काटने का अनुभव हो तो उससे मृत्यु जनित पीड़ा का अनुमान लगाना चाहिए। उसके बाद ही चेतना समाप्त हो जाती है, जड़ता आ जाती है। तदनंतर समीप आकर खड़े यमदूत उसके प्राणों को बलात् अपनी ओर खींचना शुरू कर देते हैं। उस समय प्राण कंठ में आ जाते हैं। उसके बाद शरीर के भीतर विद्यमान रहने वाला ये अंगुष्ठ परिमाण का पुरुष अपने घर को देखता हुआ यमदूतों के द्वारा परलोक ले जाया जाता है। परंतु भक्त जनों एवं भोग से अनासक्त जनों की अधोगति का निरोध करने वाला वायु ऊर्ध्वगति वाला हो जाता है। जो लोग झूठ नहीं बोलते हैं, जो प्रीति का भेदन नहीं करते, आस्तिक एवं श्रद्धावान हैं, जो काम ईर्ष्या और द्वेष के कारण स्वधर्म का परित्याग नहीं करते, सदाचारी और सौम्य होते हैं, वे सब निश्चित ही सुखपूर्वक मरते हैं। जो झूठी गवाही करने वाले असत्यभाषी विश्वासघाती और वेद निंदक हैं वे मूर्छा रूपी मृत्यु को प्राप्त करते हैं। उनको ले जाने वाले के लिए लाठी एवं मुग्दर से युक्त दुर्गंध से भरपूर एवं भयभीत करने वाले दुरात्मा यमदूत आते हैं। उसके बाद ये प्राणी वेदना से संतरस्त होकर अपने शरीर का परित्याग करता है और उसके बाद ही वो सबके लिए अस्पर्श और घृणा योग्य हो जाता है। हे गरुड़, मैंने यथा प्रसंग मृत्यु का स्वरूप सुना दिया। भगवान गरुड़ से कहते हैं,
कि पुनर्जन्म में किए गए विचित्र प्रकार के भोगों को भोगता हुआ प्राणी इस जगत में विभिन्न योनियों में भ्रमण करता है। देव, असुर और यक्ष आदि योनियां प्राणियों के लिए सुख प्रदायिनी है। मनुष्य, पशु, पक्षी आदि योनियां अत्यंत दुखदायिनी है। इन योनियों में कर्म फल के तारतम्य से प्राणी का जन्म होता है। इसी प्रसंग में भगवान ने कर्म विपाक का वर्णन करते हुए प्राणी के विभिन्न प्राणों के परिणाम स्वरूप जिन जिन योनियों में जन्म होता है उसका विस्तृत वर्णन किया है। नरकों का वर्णन। गरुड़ की जिज्ञासा करने पर भगवान ने मुख्य मुख्य नरकों का वर्णन किया, जिसमें रौरव नामक नरक को प्रधान बताया। झूठी गवाही देने वाला, झूठ बोलने वाला व्यक्ति रौरव नरक में जाता है। इसके बाद महारौरव, अतिशीत, निष्क्रंतन, अप्रतिष्ठ, असीपत्रवन, तप्त कुंभ आदि प्रधान नरकों का भी वर्णन किया। इसके अतिरिक्त और भी बहुत से नरकों का वर्णन किया। ये सभी नरक यम के राज्य में स्थित हैं, जो मनुष्य गौ की हत्या, भ्रूण हत्या और आग लगाने का दुष्कर्म करता है वो रोध नामक नरक में जाता है। जो ब्रह्मघाती, मद्यपी तथा सोने की चोरी करने वाला है वो सूकर नाम के नरक में गिरता है। क्षत्रिय और वैश्य की हत्या करने वाला ताल नामक नरक में जाता है। इन नरक के लोगों के अतिरिक्त भी सैकड़ों नरक हैं, जिनमें पहुंचकर पापी प्रतिदिन पकता है, जलता है, गलता है, विदीर्ण होता है, चूर्ण किया जाता है, गीला होता है, क्वाथ बनाया जाता है, जलाया जाता है और कहीं वायु से प्रताड़ित किया जाता है। ऐसे नरकों में एक दिन 100 वर्ष के समान होता है। इन सभी नरकों में भोग भोगने के बाद पापी त्रियक योनि में जाता है। तत्पश्चात उसे कृमि, कीट, पतंग, स्थावर तथा एक खुर वाले गधे की योनि प्राप्त होती है। तदनंतर मनुष्य जंगली हाथी आदि की योनियों में जाकर गौ की योनि में पहुंचता है। गधा, घोड़ा, खच्चर, गौर, मृग, शरभ और चमरी ये 6 योनियां एक खुर वाली होती हैं। इनके अतिरिक्त बहुत सी पापचार योनियां भी हैं, जिनमें जीवात्मा को कष्ट भोगना पड़ता है। उन सभी योनियों को पाकर प्राणी मनुष्य योनि में आता है और कुबड़ा, कुत्सित, वामन, चांडाल तथा पुलकस आदि नर योनियों में जाता है। अवशिष्ट पाप पुण्य से समन्वित होकर जीव बार बार गर्भ में जाते हैं और मृत्यु को प्राप्त करते हैं। उन सभी पापों के समाप्त हो जाने के बाद प्राणी को शूद्र, वैश्य तथा क्षत्रिय आदि की आरोहिणी योनि प्राप्त होती है। कभी कभी ये सत्कर्म से ब्राह्मण, देव और इंद्रत्व के पद पर भी पहुंच जाता है। हे गरुड़, यम द्वारा निर्दिष्ट योनि में पुण्य गति प्राप्त करने में जो प्राणी सफल हो जाते हैं वे दिव्य देह धारण करके विमान में आरोहण कर स्वर्ग लोक को जाते हैं। पुण्य की समाप्ति के पश्चात जब वे वहां से पुनः पृथ्वी पर आते हैं तो वे राजा अथवा महात्माओं के घर में जन्म लेकर सदाचार का पालन करते हैं तथा समस्त भोगों को प्राप्त करके पुनः स्वर्ग को प्राप्त करते हैं, अन्यथा पहले के समान आरोहिणी योनि में जन्म लेकर दुख भोगते हैं। 84 लाख योनियां हैं। उद्भिज, स्वेदज, अंडज तथा जरायुज, ये संपूर्ण सृष्टि विभक्त है। मृत्यु के पूर्व तथा बाद में किए जाने वाले कर्म। श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़, जान में या अनजान में मनुष्य जो भी पाप करते हैं उन पापों से शुद्धि के लिए उन्हें प्रायश्चित करना चाहिए। शास्त्रों में दशविध स्नान तथा कुछ आदि चंद्रायण व्रत अथवा गोदान आदि की प्रक्रिया प्रायश्चित के रूप में बताई गई है। यदि मनुष्य उनमें अक्षमता के कारण सफल न हो रहा हो तो आधा या चौथाई कुछ न कुछ प्रायश्चित अवश्य करना चाहिए। तत्पश्चात 10 महादान गौ, भूमि, तिल, हिरण्य, स्वर्ण, घृत, वस्त्र, धान्य, गुड़, रजत और लवण इनका दान करना चाहिए। यम द्वार पर पहुंचने के लिए जो मार्ग बताए गए हैं वे अत्यंत दुर्गंध युक्त, मवाद आदि और रक्त आदि से परिव्याप्त हैं। अतः उस मार्ग में स्थित वैतरणी नदी को पार करने के लिए वैतरणी गौ का दान करना चाहिए, जो गौ सर्वांग में काली हो।
जिसके स्तन भी काले हों, उसे वैतरणी गौ माना गया है। तिल, लोहा, स्वर्ण, कपास, लवण, सप्त धान्य, भूमि और गौ, ये पाप से शुद्धि के लिए पवित्रता में एक से एक बढ़कर हैं। इन 8 दानों को महादान कहा जाता है। इनका दान उत्तम प्रकृति वाले ब्राह्मण को ही देना चाहिए। अब पद दान का वर्णन सुनो। छत्र, जूता, वस्त्र, अंगूठी, कमंडल, आसन, पात्र और भोज्य पदार्थ, ये 8 प्रकार के पद हैं। तिलपात्र, घृतपात्र, शैया, उपस्कर तथा और जो कुछ अपने को इष्ट हो वो सब देना चाहिए। अश्व, रथ, भैंस, भोजन, वस्त्र का दान ब्राह्मणों को देना चाहिए। अन्य दान भी अपनी शक्ति के अनुसार देने चाहिए। हे पक्षीराज, इस पृथ्वी पर जिसने पाप का प्रायश्चित कर लिया है वो 10 प्रकार के दान भी दे चुका है, वैतरणी गौ एवं अनुष्ठान कर चुका है, जो तिल से पूर्ण पात्र, घी से भरा हुआ पात्र, शैयादान और विधिवत पद दान करता है, वो नरक रूपी गर्भ में नहीं आता है, अर्थात उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। पंडित लोग स्वतंत्र रूप से लवण दान करने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि ये लवण रस विष्णु के शरीर से उत्पन्न हुआ है। इस पृथ्वी पर मरणासन्न प्राणी के प्राण जब न निकल रहे हों तो उस समय लवण रस का दान उसके हाथ से दिलवाना चाहिए, क्योंकि ये दान उसके लिए स्वर्ग लोक के द्वार खोल देता है। मनुष्य स्वयं जो कुछ दान देता है परलोक में वो सब उसे प्राप्त होता है, वहां उसके आगे रखा हुआ मिलता है। हे पक्षिण, जिसने यथाविधि अपने पापों का प्रायश्चित कर लिया है वही पुरुष है, वही अपने पापों को भस्मात करके स्वर्ग लोक में सुखपूर्वक निवास करता है। हे खगराज, गौ का दूध अमृत है, इसलिए जो मनुष्य दूध देने वाली गौ का दान देता है वो अमृतत्व को प्राप्त करता है। उपयुक्त तिलादिक 8 प्रकार के दान देकर प्राणी गंधर्व लोक में निवास करता है। यमलोक का मार्ग अत्यधिक भीषण ताप से युक्त है, अतः छत्रदान करना चाहिए। छत्रदान करने से मार्ग में सुख प्रदान करने वाली छाया प्राप्त होती है। जो मनुष्य इस जन्म में पादुकाओं का दान देता है वो 80 पत्र वन के मार्ग को घोड़े पर सवार होकर सुखपूर्वक पार करता है। भोजन और आसन देने से प्राणी को परलोक गमन के मार्ग में सुख का उपभोग प्राप्त होता है। जल से परिपूर्ण कमंडल का दान देने वाला पुरुष सुखपूर्वक परलोक गमन करता है। यमराज के दूत महाक्रोधी और महाभयंकर हैं। काले एवं पीले वर्ण वाले उन दूतों को देखने मात्र से भय लगने लगता है। उदारता पूर्वक वस्त्र, आभूषण आदि का दान करने से वे यमदूत प्राणी को कष्ट नहीं देते। तिल से भरे हुए पात्र का जो दान ब्राह्मण को किया जाता है वो मनुष्य के मन, वाणी और शरीर के द्वारा किए गए त्रिविध पापों का विनाश कर देता है। मनुष्य घृतपात्र का दान करने से रुद्रलोक को प्राप्त करता है। ब्राह्मण को सभी साधनों से युक्त सैया का दान करके मनुष्य स्वर्गलोक में नाना प्रकार की अप्सराओं से युक्त विमान में चढ़कर 60,000 वर्ष तक अमरावती में क्रीड़ा करके इंद्रलोक के भोग भोगने के बाद पुनः वहां से गिरकर इस पृथ्वीलोक में आकर राजा का पद प्राप्त करता है। जो मनुष्य काठी आदि उपकरणों से सजे धजे दोष रहित जवान घोड़ों का दान ब्राह्मण को देता है उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। हे खगेश, दान में दिए गए इस घोड़े के शरीर में जितने रोए होते हैं उतने वर्ष स्वर्ण के लोकों का भोग दानदाता को प्राप्त होता है। प्राणी ब्राह्मण को सभी उपकरणों से युक्त 4 घोड़ों वाले रथ का दान करके राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त करता है। यदि कोई व्यक्ति सुपात्र ब्राह्मण को दुग्धवधि नवीन मेघ के समान वर्ण वाली सुंदर जघन प्रदेश से युक्त और मनमोहक तिलक से समन्वित भैंस का दान देता है तो वो परलोक में जाकर अभ्युदय को प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तालपत्र से बने हुए पंखे का दान करने से मनुष्य को परलोक गमन के मार्ग में वायु का सुख प्राप्त होता है। वस्त्र दान करने से व्यक्ति परलोक में शोभा संपन्न शरीर और उस लोक के वैभव से संपन्न हो जाता है। जो प्राणी ब्राह्मण को रस, अन्न तथा
अन्य सामग्रियों से युक्त घर का दान धन देता है, उसके वंश का कभी विनाश नहीं होता, वो स्वयं स्वर्ग का सुख प्राप्त करता है।